बैटिंग थंडर या दूसरा थंडर, ये दोनों ही इनको फेवर कर गए, लाइन क्रॉस करा सकते हैं। वहां तो बड़े बड़े कप्तान गए और कभी जीत के नहीं आए टेस्ट सीरीज, तो ये कोई भी जाता, बाबर भी जाता, तो वहां तो जीतना बहुत मुश्किल काम है। और अभी जैसे पाकिस्तानी टीम की जो टेस्ट टीम की तरफ देखें तो शहीन एक टेस्ट बॉलर है, बाकी नसीम शाह इतने फिट है, कब होते हैं, अगर उसका मुश्किल है तो बॉलर कौन। आकिब सर, अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो टॉस जीत कर उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया और हम इसी जो की एक चांस था वो वेल कर लिया, वेल कर लिया। आज लगता है कुछ कुछ आज चमत्कार होने वाले, चमत्कार होने वाले, और टॉस भी पास हुआ थ्रो नहीं किया। दिस इज व्हाट आई वाज नोटिसिंग, उन्होंने थ्रो नहीं किया, उन्होंने फ्लिप किया कॉइन। बस इसके ऊपर क्या बात करें, लोग मानते नहीं है, फाइनल में फिर कर लेंगे, कभी होगा तो फिर मान जाएंगे। अच्छा वैसे आई हैव अनदर, कल हम रमीज सर से भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कैमरास होते हैं, मैं तो कभी नहीं दिखाया। ये सवाल है कि अगर कैमरास हैं तो कभी कोई क्लोजअप हम आवाम को ही नहीं दिखाया, या कभी कैप्टन जो खड़े हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना दूर होता है कि आप नहीं देख सकते, नहीं मैच रेफरी जाके बताता है कि हुआ, कभी नहीं दिखाएंगे। हाँ अगर पास गिरा तो फिर वो एक, और अगर हम ये सोचते हैं कि ये कभी हुआ नहीं क्रिकेट में, इतने भी खुश फैम नहीं है हम, सब कुछ होता है, बट ठीक है, मर्जी है। मैंने तो लास्ट टाइम में बाबर की दफा भी कहा था कि ये कौन सा टॉस है, और कल भी कहा कि क्यों ऐसे करते हैं, नहीं हमने तो मैच से पहले रीजन जी के पास, मैच से पहले कहा कि ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, वही हुआ, वैसे ही किया। सारी दुनिया ऐसे फ्लिप कर दी है, ऐसे कुछ उड़ जाए। अभी तो मेरे पास एक पूरे इस वर्ल्ड कप के स्टैट्स आए हैं और वीडियोस के साथ आए हैं कि बाकी तमाम कैप्टन ने हर मैच में बिल्कुल पास थ्रो किया है, हाँ जी। और रोहित शर्मा का हर टॉस वो दूर थ्रो किया गया, तो ये एक बड़ी वेयर स्टेटमेंट चीज है जो कि वीडियो एविडेंस के साथ मौजूद है। हाँ, ये तो मेरा ख्याल है आईसीसी को इस पे जरूर इंटरवीन करना चाहिए, बात करना चाहिए कि एक सर्टन इसका भी कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाए। Exactly. कि आप एक जो मैट आपके लिए रखा गया स्पॉन्सर का उसके ऊपर आप जो कप्तान टॉस करने जाते हैं, कप्तान तो नजर ही नहीं आया तो वो कौन सा टॉस करने गया है। बिल्कुल चले, आप दूसरा इस मैच की बात, इस मैच पे आते हैं, टोटल क्या एक्सपेक्ट करते हैं जी, आज बैटिंग भी आ गई इनकी, बैटिंग आ गई है। अगर देखिए जो आइडियल उनके लिए सिनेरियो हो सकता था वो होगी, ये जब भी पहले बैटिंग करते हैं ये लंबा स्कोर करते हैं, 350 तो होना चाहिए या कम से कम 400 भी अगर चाहते हैं कि। अच्छा एक चीज ये है, जैसे हम देख रहे हैं क्लाउडी है और आईसीसी ने बता दिया है रूल्स के अकॉर्डिंगली, अगर आज क्योंकि ये थंडरस्टॉर्म सॉर्ट ऑफ भी होना है इधर, आज एक्सपेक्टेड यही है, अब बारिश होती है मैच रुकता है, कल रिजर्व डे है उस पर भी कल एक्सपेक्टेड है, फोरकास्ट यही है कि रेन होगी, और अगर बारिश रहती है तो ये फिर विक्टोरियस जो विक्ट्री है वो इनके नाम जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट टेबल पे ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है, दूसरे नंबर पर स्टैंड करते, तो ये लक भी इस दफा इनके साथ है थोड़ी। बैटिंग थंडर या दूसरा थंडर, दोनों ही इनको फेवर कर गए, लाइन क्रॉस करा सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम उनके साथ, पहले टोटल लगाएं फिर प्रेशर डालें और ये टूट जाए, अगर ये यहाँ टूटा तो फिर ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, इंडिया को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, दिस टाइम इज फॉर अफ्रीका, वो कहा जा रहा है साउथ अफ्रीका, बिल्कुल। और अगर हम पिछले मैच की भी बात करें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका वन साइड रोके जीते थे क्योंकि टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, भरपूर तरीके से फिर वो कामयाबी उन्होंने अपने नाम की। आज क्या लग रहा है कि उसी तरह से देखें, टॉस तो जीत गए हैं, बैटिंग करने का भी फैसला कर लिया है, व्हाट्स योर टेक कि आज फिर साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू विन? तो चोकर्स वाली चीज भी आपने माइंड में रखनी है, वो उसका कुछ नहीं कर सकते वो तो एक मेंटल ब्लॉक है। लेकिन ये कि अब तो ये है कि बैटिंग करें और मैच कंप्लीट हो, 350+ रन करें और फिर इनका चांस तो है। बिल्कुल, और जिस तरह इनकी बॉलिंग भी है, जैनसन ने बड़ी विकेटें ली हैं, लंबे हैं, डिफरेंट एंगल से बॉल करते हैं, आई थिंक चांस तो है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा थोड़ी सी अपने जो बोर्ड की हलचल है उस पर भी आपका टेक लेते हैं। बाबर आजम की कप्तानी पे तो हमने पूरे वर्ल्ड कप में बात कर ली कि पाकिस्तान इवन सेमीफाइनल में पहुंच भी जाता तो ये जो प्रॉब्लम्स थे वो नजर आ रहे थे, वो एविडेंट थे, आप उसको स्ट्रेच नहीं कर पाते, बट जब सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपोज हो गए, ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ, बोर्ड ने ऑप्शन ही ऐसी दी उनको, और मेरा तो मानना यह है कि पहले डिसाइडेड था, ये जस्ट मेयर फॉर्मेलिटी थी इनकी से रखने के लिए, रिस्पेक्ट के लिहाज से बोर्ड डिसाइड कर चुका था कि इनको कैप्टन किसी फॉर्मेट में नहीं रखना, टेस्ट की इसलिए दी गई कि ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में जीतना नामुमकिन वाला सिनेरियो बन रहा है, नज़र आ रहा है,
तो शान मसूद की दी गई। शाहीन का तो आपने पहले दिन से बहुत नाम लिया कि शाहीन को T20 की लेट कर दी है, 6 महीने पहले दे देनी चाहिए थी। वो तो चले एक हमें नजर आ रहा है कि वो एक लीडर है और उसने T20 में प्रूव भी किया। अब शान मसूद की टीम में जगह नहीं बन रही, वो आ रहे हैं, ये पाकिस्तान में होता है कि पहले जगह नहीं बनती, आते हैं तो कैप्टन आते हैं। आपकी नज़र में ये उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है कि अगर ये बुरा होता है और नया बोर्ड आ जाएगा 3 महीने के बाद, क्योंकि इलेक्शंस होंगे, नया PM आएगा, नया स्ट्रक्चर आ जाएगा, और अगर ये बुरी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में जाती है तो फिर ऑल टुगेदर चेंज होगा। क्योंकि मेरे सोर्सेज के मुताबिक इनसे पहले भी 2 प्लेयरों से बात की गई कि ये कैप्टनसी देने के लिहाज से, इसमें से एक बाबर भी हैं, तो उन्होंने भी सबने कहा कि हम इस सीरीज में नहीं, अगर आपने ये देना है तो इसके बाद बात करें। तो आप कैसे देख रहे हैं शान मसूद की टेस्ट कैप्टनसी? देखिए वहाँ तो बड़े बड़े कप्तान गए और कभी जीत के नहीं आए टेस्ट सीरीज, तो ये कोई भी जाता, बाबर भी जाता, तो वहाँ तो जीतना बहुत मुश्किल काम जी। और अभी जैसे पाकिस्तानी टीम की जो टेस्ट टीम की तरफ देखें तो शहीन एक टेस्ट बॉलर है, बाकी नसीम शाह इतने फिट हैं, कब होते हैं, अगर उसका मुश्किल है तो बॉलर कौन है? क्योंकि आप टेस्ट मैच को जीतने के लिए आपको 20 विकेटें चाहिए, और 20 विकेटें लेगा कौन? ना तो आपके पास ऐसा कोई स्पिनर है जी। पाकिस्तान तो इतने इतने आउटस्टैंडिंग जो स्पिनर्स को भी लेके गया फिर भी कभी नहीं जीता जी। फास्ट बॉलर्स भी 3-3 बड़े जेन्युइन फास्ट बॉलर्स भी गए हैं, तो यहाँ तो मुश्किल है कि इनकी टीम क्या होगी, कैसे बनाएंगे ये। हमारे पास तो अभी वनडे में देखा कि न्यू बॉल बॉलर नहीं है, नसीम शाह के अलावा हमें लगता है कि ये टीम कभी खेल ही नहीं सकती। आई थिंक कि इनको सबसे ज़रूरी काम ये करना चाहिए कि अब ये देखना चाहिए कि हमारे रेड बॉल की कौन सी ऑप्शंस हैं जी, ढूंढें, वो हैं। अगर ये शुरू समीन गुल है ये जो जहाँ थोड़ा सा बॉल सीम होता है, क्योंकि टेस्ट मैच एक ऐसी क्रिकेट है जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी चाहिए जी। T20 में आपके पास अगर वैरायटी है, अगर आप इतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं भी हैं फिर भी आपको प्ले जो बैट्समैन वो निकल के मार देते हैं, उल्टी सीधी शॉटें मार के आपको विकेट मिल जाती है। अरशद इकबाल है, खुर्रम मंजूर है, इस तरह के बॉलर हैं, खुर्रम शहजाद है, खुर्रम शहजाद सॉरी। अच्छा अब बात ये है कि जैसे वनडे में आते हैं तो एक्यूरेसी और ज्यादा चाहिए, क्योंकि जितना बैट्समैन वेट करेगा आपका जो बुरा बॉल है वो एक्सपोज होगा ऐसे ही। और टेस्ट मैच में तो शुरू ही इस तरह से करते हैं कि छोड़ी जाओ, वेट फॉर द बैट बॉल। और अगर आपने एक ओवर में एक बैट बॉल की और आपको चौका पड़ गया है तो मतलब शाम को तो 4 की एवरेज से तो जी 400-450 रन हो जाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही तो ऐसे ही करते हैं। तो आपके पास एक्यूरेट बॉलर चाहिए, क्योंकि बैटिंग तो आके भाई मेरा ख्याल है आपके पास फिर फिक्स है, 5-6 नंबर जो ये श्रीलंका गेंस खेले हैं। बॉलिंग में प्रॉब्लम आनी है, बॉलर हमारे पास कोई भी नहीं। अब वो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में नुमान कितना इफेक्टिव होगा किसी को नहीं आइडिया, क्योंकि बॉल स्पिन तो ऐसा होनी नहीं है। इसी तरह स्पिनर जितने भी ब्रार है वो शायद कुछ थोड़ा रोल प्ले कर ले। ब्रार अब देखो टेस्ट मैच के अंदर उन पिचेस के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क भी है जी, क्योंकि वो इनिंग शुरू करते हैं 1.5 दिन खत्म नहीं करते। तो अगर वो वेट करके जब खेलते हैं तो जो मिस्ट्री बॉलर्स हैं ये थोड़े से कम अफेक्टिव हो जाते जी। जो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने विकेटें ली, इंग्लैंड आया था टेस्ट मैच में T20 खेल जी, ऐसे ही जब तक अटैक नहीं करोगे ये मिस्ट्री बॉलर्स में कोई भी आज तक टेस्ट मैच में कंसिस्टेंटली कामयाब नहीं हो सकता। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही, चाहे वो मलिंगा टाइप एक्शंस भी हैं वो भी टेस्ट मैचेस में उस तरह से नहीं चलते जी। ये जो मिस्ट्री बॉलर्स हैं ये भी कोई भी उस तरह से लंबा रन या इस तरह से इफेक्टिव नहीं हो। वहाँ चलती है आपकी क्लास, आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए, आप एक्यूरेसी इज द की, उसके पास पेस होनी चाहिए, बॉल को नए बॉल को मूव करना और बैटर को खिलाना, क्योंकि टेस्ट मैच के जो बैटर्स होते हैं अच्छे अच्छे बॉलर्स को सर्वाइव कर लेते हैं पहला स्पेल। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आपने ऊपर से सर्वाइव कर लिया फिर नीचे वो 150-150 करते हैं। प्लेइंग 11 भी रेडी है जी, प्लेइंग 11 देखते हैं और उस पर देखते हैं आज क्या दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 है। पहले साउथ अफ्रीका की डिस्कस कर लेते हैं। अबुमा कैप्टन है, डिकॉक है, डुसन है, मैक्रम, क्लासन, मिलर, जॉनसन वापस आ चुके हैं, एक चेंजिंग की गई है, महराज है, कोटरी है, रबाडा एंड शमसी, शमसी की भी इंक्लूजन हुई है, 2 चेंजिंग की गई हैं जी।
तबरेज शमसी भी आज वापस आ गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि निगीडी को लास्ट मैच में कुछ उनके निगल्स भी आ रहे थे, और पता नहीं शायद स्पिन की वजह से, क्योंकि आपको पता है ईडन गार्डन में बॉल थोड़ा स्पिन भी करती है, शायद इसी वजह से उन्होंने इनको चांस दिया। ऑस्ट्रेलिया की साइड की बात करें तो ट्रेविस हेड है, वार्नर है, मार्श है, स्मिथ वापस आ चुके हैं, अब पर्मनेंट फिचर हैं, लबुशेन है, मैक्सवेल हैं, इंग्लिस हैं, और कमिंस हैं, स्टार्क, जैम्पर, हेजलवुड, सारी वही है। स्मिथ को प्रेफरेंस दी गई है स्टोइनिस के ऊपर, क्योंकि स्टोइनिस बहुत बड़े हिटर हैं बट कंसिस्टेंट नहीं थे, और लास्ट मैच जो था वो हमने देखा कि स्मिथ ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली मिचेल मार्श के साथ। तो मेरा ख्याल है ये राइट मूव है, आपको एक एंकर करने वाला, सारे एग्रेसिव आप बैटर डालोगे तो कहीं ना कहीं क्लैश भी कर जाओगे, जो एक दो मैचेस में हम देख भी चुके हैं। तो आप क्या कहते हैं इस दोनों टीम की कंपोजिशन पे? देखिए, एक तरह की तकरीबन टीम है, उनकी भी साथ तक जेन्युइन बैटिंग है, साउथ अफ्रीका की भी परफॉर्मेंस उन्होंने ज्यादा दी है उनके बैटर्स ने, साउथ अफ्रीकन ने, लेकिन ऑन गिवन डे स्टीव स्मिथ जैसे जो बैट्समैन होते हैं, ये प्रेशर गेम में आपको इस तरह का बैट्समैन चाहिए जी, क्योंकि वो ऑब्जॉर्व करना जानते हैं, इतनी दफा गुजरे होते हैं, आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जितने हाथ साथ से आप गुजर के खड़े होते हैं ना, वही आपका गेन होता है। ऐसे अब किसी नए प्लेयर को जिसके पीछे इतने एक्सपीरियंस नहीं है, जीतना हारना, मुश्किल सिचुएशन में आना, प्रेशर जो है ना, ये दो तरीके से लोग करते हैं प्रेशर को ऑफ, एक करते हैं जाते हैं जाके अटैक कर देते हैं, उसमें आपके 50-50 चांसेस होते हैं, ठीक है, और वहां पे रह के जो फाइट करता है असल में फाइटर वो है, थोड़ी देर ऑब्जॉर्व करने को, क्योंकि वो आपको बड़ा मुश्किल होता है उस सिचुएशन में, वहां खड़े रहना, ये दो चार ओवर जो है वो सी ऑफ करना, सी ऑफ करना, वो बिलीवेबिलिटी रखना कि ये जो मैं कर रहा हूँ बाद में मैं कवर करूंगा जी, तो ये ऐसे प्लेयर आपको चाहिए होते हैं, और ये अगर 300-320 रन हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया ने कर लेने, बिल्कुल ऐसे आपको 350 प्लस की तरफ सोचना पड़ेगा। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।